आज हम आपको झांसी जिले के एक ऐसे चमकते सितारे से मिलवाने जा रहे हैं जिसने कठिनाइयों को अपनी मेहनत की रोशनी से हराया। मिलिए हरदित्य राजपूत से, जिन्होंने इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में 94.8% अंकों के साथ न केवल जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है। हरदित्य एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा झांसी के ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल में हुई, जहां उन्होंने अपनी लगन और समर्पण से सभी का दिल जीता। जब हरदित्य से पूछा गया कि इस सफलता के पीछे उनकी क्या प्रेरणा थी, तो उन्होंने बताया कि यह सब उनके परिवार, खासकर उनके माता पिता और शिक्षकों के अथक समर्थन के बिना संभव नहीं था। मेरे सब में अच्छे नंबर फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इन तीनों सब्जेक्ट्स में 97 आए हैं, और मैंने और गणित में मेरे 93 और इंग्लिश में 90% थे, और पूरे जिले में मैं प्रथम स्थान पे 94.80% अंक प्राप्त किए मैंने। नहीं, मैं जालौन जिले के बसोब गांव का हूँ। यहाँ पर मैं किराए से रहता हूँ। मेरे साथ मेरी 2 बड़ी बहनें और एक मेरा भाई रहता है। छोटा बड़ा कितना बड़ा कमरा है, उसमें कैसे घर गुजारा करते हैं? ज़्यादा बड़ा तो नहीं, एक क्लास जितना होगा, एक उसी में हम 4 लोग रहते थे। नहीं, दीदी बनाती थी। हरदित्य कहते हैं, मेरे पिता जो खेती करते हैं और मेरी माँ जो घर संभालती हैं, उन्होंने हमेशा मुझे अच्छे से अच्छा करने की प्रेरणा दी। मेरी इस उपलब्धि में उनका बहुत बड़ा हाथ है। इसके पीछे जो एक साल से मैं डेली पढ़ाई करता था, और मैं स्कूल भी आता था, और मैंने बाहरी टीचरों से मैं कोचिंग भी लेता था, स्कूल भी आता था, और मैं खुद से सेल्फ स्टडी करता था, तो इन्हीं लोगों के सहयोग से मैंने इतने अंक प्राप्त किए। इस कामयाबी के बाद हरदित्य का सपना है आगे चलकर एक इंजीनियर बनना और अपने देश की सेवा करना। आगे मैं IIT एडवांस को क्लियर करके BTech करके इंजीनियर बनना चाहता हूँ। हरदित्य ने कहा, मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि कठिन परिस्थिति के साथ संघर्ष करते रहें, जिसमें वे पले बड़े हैं। अगर आपके पास लक्ष्य है और आप उस पर कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हरदित्य की कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर जज्बा मजबूत हो तो कामयाबी निश्चित है। एक किसान के बेटे से लेकर झांसी के टॉपर तक हरदित्य का सफर हम सबके लिए प्रेरणा है। लोकल 18 झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।